हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख रहे हैं एक व्लॉग वीडियो। रिसेंटली आई हैव विजिटेड अ फेमस प्लेस ऑफ राजस्थान विच इज जैसलमेर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए थे जैसलमेर और एज इट इज विंटर तो मौसम भी बहुत ही प्लेजेंट था यहाँ का। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च। और अब हम जा रहे हैं अपने कैंप साइड। मैंने सिटी में स्टे नहीं लिया था एज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर डेजर्ट कैंप्स। और यहाँ हम पहुंच गए हमारे कैंप साइड। आई विल शो यू द कैंप्स इन अ व्हाइल। एंड द वाइब इज रियली अमेजिंग हियर। यहाँ थोड़ा रेस्ट करके और फिर रेडी होके हम निकले हमारे एडवेंचर एक्सपीरियंस को लेने के लिए विच वॉज डेजर्ट सफारी। ड्यून्स पे जब ये जीप्स आपको फर्राटेदार राइड देती है ना, तो थोड़ा डर लगता है, पर इस एडवेंचर का मजा भी बहुत आता है। आई रियली एंजॉयड इट। आई कुडंट कैप्चर द वीडियो इन प्रॉपर डेजर्ट एज वहाँ ये लोग इतना फास्ट ड्राइव करते हैं कि अगर वीडियो बनाने गए तो आपका कैमरा या फोन वही मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ पे आप कैमल राइड, थार बैशिंग और पैरासीलिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आफ्टर डेजर्ट सफारी हमने कुछ अदर एक्टिविटीज और सनसेट का भी मजा लिया। एंड दिस गोल्डन डेजर्ट इज परफेक्ट फॉर टेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स। वैसे ठंड तो काफी थी वहाँ, बट यार स्टाइलिश भी तो दिखना है, तो मैंने यहाँ पहना है एक फुल स्लीव टर्टल नेक टॉप और उसके साथ एक ड्रॉप क्रॉस ट्राउजर, जिसका रिव्यू वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आई हैव कम्प्लीटेड माई लुक विथ सनग्लासेस, बूट्स एंड हेड स्कार्फ। एज इट इज विंटर, मैंने अंदर थर्मल्स भी पहने थे और लेदर जैकेट भी कैरी किया था। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वॉचिंग सनसेट हियर वॉज रियली अ मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस। लुक एट दिस ब्यूटिफुल स्काई एंड गोल्डन सैंड। और इस अमेजिंग व्यू के साथ मैंने एंजॉय की कैमल राइड। इस पिक्चर में मैं ज्यादा दिख रही हूँ या ये कैमल, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। और इतनी एक्टिविटी के बाद भूख तो लगेगी, सो मैंने खाई गर्मा गर्म मैगी, जो इस ठंड में बहुत ही मजेदार लगी। आफ्टर एंजॉयिंग हियर आई वेंट बैक टू माई कैंप साइड। और यहाँ आपका अच्छे से वेलकम किया जाता है एंड फिर स्टार्ट होता है राजस्थानी फोक डांस एंड फायर शो। सेकेंड डे मैंने किया सिटी टूर। सो फर्स्ट आई हैव विजिटेड जैसलमेर फोर्ट विच इज 800 ईयर्स ओल्ड एंड इट इज मेड विथ येलो सैंडस्टोन्स। जब इस पे धूप गिरती है तो इट शाइन्स लाइक गोल्ड, सो इसे गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस फोर्ट के अंदर ही कुछ टेम्पल्स और म्यूजियम्स भी है, सो यू कैन विजिट देम एज वेल। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन शॉपिंग, तो इस फोर्ट के अंदर भी एक बड़ा सा मार्केट है जहाँ से आप पर्सेस, ज्वेलरी, बेडशीट्स और कपड़े वगैरह शॉपिंग कर सकते हैं। फोर्ट के ऊपर से ये गोल्डन सिटी कुछ इस तरीके से नजर आती है। कपड़ों की बात करें तो मैंने स्कर्ट टॉप के साथ एक वुलन पोंचो पेयर किया था विथ अ ब्रॉड वेस्ट बेल्ट। नेक्स्ट मैंने विजिट किया मंदिर पैलेस Which is a tourist place and heritage hotel as well. ये पैलेस भी काफी खूबसूरत था। Next visit was Bada Bagh. This place is very famous for pre-wedding shoots and other movie shoots. तो मैंने भी यहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और फिर हम बढ़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। देन आई वेंट टू गडीसर लेक। यहाँ पे भी आप स्ट्रीट शॉपिंग और बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैफे भी है जहाँ पे बैठ के आप इस लेक के नज़ारों को देखते हुए कुछ खा पी के चिल कर सकते हैं।
एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्ट्रीट फूड तो यहाँ पे आपको बाहर स्ट्रीट फूड के भी काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू क्लिक पिक्चर्स इन राजस्थानी अटायर तो यहाँ पे वो रेंट पे भी मिल जाते हैं। फिर हमने विजिट की पतवो की हवेली, इट इज़ फेमस फॉर इस आर्किटेक्चर। वॉल्स पे आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इट वॉज मेड फ्रॉम प्योर गोल्ड और इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे ग्लास लगाए हुए हैं। इस हवेली में हमने देखी काफी एंटिक चीजें और फिर हम बढ़े अपने लास्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो हियर इज द कुलधारा विलेज, इट इज कंसिडर्ड एज अ हॉन्टेड प्लेस। हम एक्चुअली लास्ट विजिटर्स थे जिनको एंट्री दी गई थी, बिकॉज शाम होने के बाद यहाँ पे आना अलाउड नहीं है किसी को। फाइनली समवन वॉज मेकिंग स्पूकी नॉइज बिहाइंड टू गेट द फील ऑफ दिस प्लेस। अब सच में यहाँ कोई भूत आ जाए उससे पहले आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। बाय बाय।